Assalamualaikum and hello everyone. Lucky One Mall is one of the biggest malls in Karachi. Almost sabhi local and international brands aapko yahan par mil jayenge. Due to current situation, indoor dining kahin bhi allow nahi hai. लेकिन मॉल में फूड कोर्ट का होना कितना ज़रूरी है ये सभी जानते हैं, क्योंकि घूमते फिरते शॉपिंग करते खेलते भूख लग जाती है. और किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती. इस सिलसिले में लकी वन ने एक बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ लगाया है खाने पीने के सिलसिले में. आज हम उसी पर रिव्यू करेंगे. लकी वन मॉल के अंदर तो एक फूड कोर्ट था ही, लेकिन इसके अलावा शुरू ही से कुछ रेस्टोरेंट्स इस साइट पर बनाए गए थे जहां पर उनकी सीटिंग हमेशा से ही ओपन एयर में थी. तो किस तरह अंदर के फूड कोर्ट को यहां पर शामिल किया, सीटिंग एक्सटेंड की गई, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी विद लाइव म्यूजिक, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ था. मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बाद भी इसको कंटिन्यू रहना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ थी. यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन दोनों ही म्यूजिक चल रहे थे, बहुत मजा आ रहा था. आप लोग भी देखे कैसा चल रहा था यहाँ पर लाइव म्यूजिक. बाहर की तरफ जो चार से पांच रेस्टोरेंट है वो मैं आपको बारी बारी दिखाती हूँ. पहला है बारबेक्यू टुनाइट. ये पाकिस्तान में बहुत मशहूर और मारूफ है. इसकी बहुत सारी ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में है. इसके अलावा सऊदीया जद्दा में भी इसकी एक ब्रांच है. सेकंड रेस्टोरेंट यहाँ पर जॉक के नाम से था, वो बंद है. और ये थर्ड वन है, ये फास्ट फूड चेन है, बर्गर्स वगैरह इसमें है. ये भी काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है. इसके अलावा रॉयल जैस्मिन के नाम से, ये चाइनीज़ फूड भी है इसमें और देसी भी है. और ये इसका बुफे सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, ये भी बहुत ज़बरदस्त मंजर पेश कर रहा था. पेंटिंग्स बहुत प्यारी थी, ये मुझे सबसे अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको करीब से कैप्चर किया. आई लव कराची ज़बरदस्त था. और ये सामने से रॉयल जैस्मिन आपको दिख रहा है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेन अट्रैक्शन. जितने भी फूड चेन्स फूड कोर्ट के अंदर थे उनके छोटे छोटे स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे. यहीं पर आप अपनी सीटिंग तलाश करें, बैठें, ऑर्डर करें. 20 टू 25 मिनट्स में आपका ऑर्डर तैयार होकर नीचे ही ले आएंगे वो लोग. दिस वॉज रियली अमेजिंग वे, आई रियली लव्ड इट. इस तरह आपको पांच रेस्टोरेंट्स के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ ओपन एयर में मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. और इसमें आपको चाय, आइसक्रीम्स और दूसरी जूसेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे. अलग अलग टेस्ट पसंद करने वाले लोगों के लिए हर किस्म का ऑप्शन है. और मुझे लगता है कि यहाँ सभी की चॉइस का कुछ ना कुछ उनको ज़रूर मिल जाएगा. After shopping, we were thinking that we have to go somewhere else and find food there. लेकिन यहाँ पर जब हमने ये सब कुछ देखा तो काफ़ी रिलैक्सेशन हो गई हमें. OPTP is a local fast food chain जिसके burgers बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन आज हमने देखा यहाँ पर इनका पिज्ज़ा भी है. OPTP का मतलब one potato, two potato. तो हमने सोचा क्यों ना इनका पिज्ज़ा ट्राई किया जाए. और हमने ऑर्डर किया पाकिस्तानी टिक्का फ्लेवर का पिज्ज़ा. अब देखें इसकी पैकिंग में कॉर्नर में एक स्टिकर सा लगा हुआ है जिसके ऊपर उसका फ्लेवर भी लिखा हुआ है, पाकिस्तानी टिक्का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात लगी. ये देख सकते हैं आप करीब से. और उसके बाद जब ये खुला तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से थी. और इट वॉज अमेजिंग, सुपर स्पाइसी और बिल्कुल मेरे टेस्ट के आइन मुताबिक था. मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा और चीज़ क्रस्ट भी था इसके अंदर ज़बरदस्त. और दिस गार्लिक सॉस वॉज अमेजिंग. सेकेंडली हमने ऑर्डर किया हार्डीज, जिसको किसी भी तारीफ की ज़रूरत नहीं है. एवरीबडी नोज द टेस्ट और उसकी क्वालिटी. तो वो काफ़ी अच्छा था. उसमें ग्रिल्ड हमने बर्गर ऑर्डर किया और दूसरे जूनियर बर्गर्स, सभी ऑसम थे. लेकिन उन लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया. ये देखिए ज़रा करीब से व्यू ऑफ द बर्गर, टेस्टी. ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस एंड सुपर एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. अगर मॉल में जाएंगे तो बिल्कुल मायूसी नहीं होगी. ईजीली आप अपना खाना खा सकते हैं और सैर होकर आ सकते हैं. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज.